सब जगह जाके दर्शन हो गए और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। पहले छोटा सा घर होता था तो दो तीन दोस्त आ जाते थे, बट इस बार सब आएंगे। हे गाइस, सलाम नमस्ते, कैम चौकस है। सो आज गणेश जी का है डे 6, और जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था, मतलब कल ही बोला था, मैं अपने सारे दोस्तों के घर पे विजिट करने जाऊंगा और मेरे रिश्तेदारों के घर पे भी, उनके घर पे, और सोच रहा हूँ कि जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ भी गणेश जी बिठाए हैं, तो सोच रहा हूँ वहाँ जाऊँ, मतलब वो मामा की दूसरी गली में ही है, अगर हो सके तो वहाँ भी जाएंगे। सो लेट्स गो। मयूरेश के घर पे भी गणपति है, आरती के घर पे भी गणपति है, और एक फ्रेंड है जो थोड़े दूर रहते हैं उनके घर भी गणपति है, मामा के घर भी है, मौसी के घर भी है। सो ये चार पांच घर विजिट करने हैं ज्यादा करके, तो मैं क्योंकि गली गली में तो कार नहीं जा पाएगी, तो मैं आसपास डाल के टू व्हीलर पे अकेला जाऊंगा तो कोई देखेगा नहीं। दर्शन वर्शन करके शाम को मुझे वापस रिटर्न आना है। सो लेट्स गो। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं बहुत दिन हो गया अपने वो पुराने एरिया में नहीं गया। सो आज जाऊंगा तो थोड़ा वो पुरानी यादें आएंगी, तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ शेयर करना चाह रहा था, इसलिए सोचा कि व्लॉग भी बनाऊं। फर्स्ट हम लोग चलेंगे मयूरेश के घर, क्योंकि मयूरेश का घर मेरे घर से पास में है। देन सेकेंड आरपी, थर्ड मामा, फोर्थ मौसी, देन लास्ट में थोड़ा दूर जाना है इसीलिए वो लास्ट में रखा है। मेरा दोस्त भी है गाइस, आकाश करके, जो बहुत दिनों से उस कंडीशन में है कि वो ना बोल पा रहा है ना सुन पा रहा है, सिर्फ बेड पे। 11-12 महीने हो चुके, मतलब एक साल होने में आएगा अभी नेक्स्ट मंथ। कब से दुआ कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। पापा से भी यही दुआ है, कभी भी हम हमेशा उसको याद करके दुआ करते रहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मतलब पहले से उसकी हालत अभी बहुत, मतलब फ़र्क आया है। डॉक्टर ऐसा ही कहते हैं कि उस पर, उसके ऊपर है कि वो कब खुद को अंदर से पुश करेगा, खुद उठेगा। थोड़ा कोमा पेशेंट बन चुका था, अभी वो थोड़ा, मतलब 10-15% उससे बाहर निकल चुका है। तो गाइस प्लीज़ उसके लिए दुआ करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। हम सब उसके पीछे लगे पड़े, एक साल हो जाएगा वापस हमारे साथ हंसता खेलता हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर वो था तो बहुत मज़ा आया था आगमन में, इस बार वो नहीं था, थोड़ा कहीं ना कहीं उसकी कमी महसूस हुई। और ये बात मैंने कभी आपसे शेयर नहीं की, पर सोचा शेयर करूँ। तो गाइस प्लीज मेरे दोस्त के लिए दुआ करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि वो गाइस मेरे आजकल का दोस्त नहीं है, वो मेरे स्कूल टाइम से दोस्त है, और उसने मेरे टाइम पे मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जब मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था एग्जाम देने के टाइम पे, तो वही मुझे लेके जाता था एग्जाम देने के लिए भी गाड़ी पे, और कभी भी मेरे पंगे वंगे होते थे इधर उधर तो वही रहता था हमेशा मेरे साथ। सो दुआ करो गाइस वो जल्दी ठीक हो जाए। अभी उसको भी देखने जाऊंगा, दिखाऊंगा तो नहीं उसको वीडियो लेके, क्योंकि ऐसे नहीं अच्छा लगता, बट जाऊंगा उसको भी मिलने। देन उसके बाद फिर वो लास्ट वाला जो दूर एक दोस्त के घर पे जाना है गणपति देखने, उसके बाद फिर जाए। पप्पा वाला मैटर हुई है खाली। पप्पा कुछ हूँ, कहते तो पप्पा कुछ हूँ उसके रहा है करतो जाने लो। छोड़ वो चाल का, वो नहीं आ रहा अपने पास। तो मयूरेश के घर का दर्शन डन। जो बच्चा था वो मयूरेश का भतीजा था, भाई का लड़का था, बहुत क्यूट है। इसका भाई और मैं गाइस बहुत पहले से दोस्त थे, जब मैं जॉब करता था तब से दोस्त साथ में रहते थे, तो वो बॉन्ड है। और जो इसकी भाभी है, इसके भाई और इसकी भाभी का सेटिंग बाय द वे मैंने लगाया है,
आपको एक बात बताता हूँ, जो थी वो मेरी पहले से फ्रेंड थी, इसका भाई लाइन मारने जाता था उस पर, तो मुझे भी साथ में लेके जाता था कि चल तेरी भाभी के कॉलेज में जाएंगे हम तब से, और ये लोग ने लव मैरिज है इसके भाई का, तो तब से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, और जो अभी वो क्यूट सब वो बेबी हुआ है उनको बहुत क्यूट हुआ है, तो वो रहता तो अभी आपको उससे भी मिला था, बट नहीं, वो बहुत एंटिक पीस है, वो मयूर से भी एक लेवल अप एंटिक है, पता नहीं हम मेरी शादी कब होगी। से उठा 12 बजे उठा तो? खाना खा के वापस सो गया। सुबह कितने बजे सोया वो तू नहीं पूछेगा? नहा के सोता। अरे कैसे नहा के सो, नहा के सोऊंगा फिर नींद नहीं आएगी, मतलब खाने का कैसे समझता है? तो भूख लगेगी तो आदमी खाएगा। ऑलमोस्ट मतलब मासी मामा और आरपी और मयूरेश के घर का दर्शन डन हो चुका है, और आपको पता है हम लोग अभी कहाँ से जा रहे हैं? बस डेपो। ये जगह आपको पता होगी जो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, इधर हम लोग मॉर्निंग में उठे। ये देखो ये जगह, ये सामने ये जो है इसके पीछे बस स्टेशन है, तो यहाँ हम लोग ने अपना जर्नी स्टार्ट किया था, मतलब इधर हम लोग वीडियो बनाने आते थे, ये लोकेशन हमको अच्छी लगती थी, तो ये एक्शन वीडियो हम लोग इधर बनाने आते थे। सो अभी इतने दिनों बाद इस साइड से आ रहा हूँ ना, तो वो टाइम पे याद रहा। इस टाइम पे मैं जब जॉब पे छुट्टी होती थी तो इस टाइम पे मैं जाके वीडियो बनाता था। नॉर्मल डेज में मैं ऐसे मॉर्निंग में उठ के ही जाता था वीडियो बनाने। सो वो मेमोरीज आई और बहुत अच्छा। सारे जो जो जगहों पे मैं गया था सब जगह जाके दर्शन हो गए, और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, और अच्छा लगा बहुत। और कल अपने घर पे भी गाइस सत्यनारायण की पूजा है, सो अभी कल भी सुबह उठ के भी बहुत काम रहेंगे, तो अभी घर जाऊंगा, पूजा वूजा करूंगा, खाना वाना खाऊंगा, देन थोड़ा सा पापा के साथ बैठ के फिर जल्दी भी सोना, क्योंकि कल मॉर्निंग में उठ के बहुत तैयारी करनी है। तो भाई पूजा मुझे बैठना है, मुझे टेंशन है कि बैक प्रॉब्लम है, इतना टाइम पूजा में कैसे बैठ पाऊंगा, बट लेट्स सी, 3-4 घंटे की तो बात है, बैठ जाऊंगा। दोपहर को मतलब सब दोस्त लोग आएंगे घर पे खाना खाने, तो फिर वही कल पूरा दिन यही हेक्टिक होगा। आरती का टाइम भी हो चुका है अपने, 7:45 को आरती कर ही लेते, तो अभी 10 मिनट में घर पे पहुंच जाएंगे, देन घर जाके आरती करते हैं। आज बहुत थक गए दोपहर से,
गए थे सबके घर पे विजिट करने एंड सबको बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सबके घर जाने के बाद। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि कल मॉर्निंग में जल्दी उठ के तैयारी करनी है क्योंकि कल सत्यनारायण की पूजा है घर पे, उसका भी हम लोग व्लॉग बनाएंगे क्योंकि कल घर पे आएंगे ढेर सारे मेहमान, और जब घर पे मेहमान आते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले छोटा सा घर होता था तो दो तीन दोस्त आ जाते थे, इस बार सब आएंगे, मामा मामी दादा दादी मेरे दोस्त दीदी के दोस्त मम्मी की फ्रेंड्स, तो ये सारे लोग आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। कल का दिन पूरा हेक्टिक रहेगा, मतलब हेक्टिक मीन्स कि टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल, बट हमारा व्लॉग कंटिन्यू चालू रहेगा और लगभग मेरे पुराने दोस्त भी आने वाले, सो लगभग आने वाले मतलब कंफर्म नहीं है, तो उनसे भी काफ़ी सारी बातें होंगी कल, पूरी ओल्ड मेमोरीज निकाल के हंसूंगा कल बहुत सारा, बहुत खुश होऊंगा। सो मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई नो कि इसमें कुछ ज्यादा हंसी मजाक नहीं थी, एंटरटेन नहीं था, आज गेम्स नहीं, बस आज का यही था कि मैं अपने दोस्तों के घर पे जाके मुझे विजिट करना था। सो मिलते हैं कल के व्लॉग में एंड ऐसे हंसते रहो मुस्कुराते रहो खुश रहो। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।